रोहित खत्री एक्स सहज। यस, तगड़ा वर्कआउट, बैक एंड बाइसेप्स। तो खाना खाएंगे तो भाई ORS पीऊंगा एक। हाँ, डिहाइड्रेट होगी बॉडी, सोल्ट फ्लूइड्स सारे। ORS बहुत जरूरी है। What's up guys, स्वागत है आप लोगों का। आज है हमारे साथ हमारे भाई सहज। सहज भाई से मिलके रात को बहुत बढ़िया लगा था, तो हमने डिसाइड करा था खाना खाने के बाद कि कल एक बढ़िया वर्कआउट करेंगे, और भाई तगड़े हो चुके हैं। आज रियल वर्कआउट होगा, मतलब जो होता है ना आपको देखने में मजा आए। आज करेंगे सहज भाई बैक और बाइसेप्स। ठीक है, बाइसेप्स दिखाओ एक बार। दिख रहे भाई मेरे टी शर्ट के अंदर है, पर हम दिखा देंगे तुझे। तो ये चलेगा, चलेगा, तगड़ा वर्कआउट कर देंगे भाई। 100% बोल रहा हूं। और कल रात को मैंने थार देखी ना सहज की, यार मतलब थार देख के यार मन कर जाता है। फुल आओ बाजी, पंजाब से डायरेक्ट है, पंजाब से दिल्ली है। पंजाब तो आया मुंडे, जिम लगूगा फुल भाई। पंजाबी में कर दो व्लॉग अब एक बार, बता दो सबको। हम थल्ले आए हैं और उत्ते चल रहे हैं, अब करेंगे वर्कआउट। दंड पांगे, दंड पांगे। गाड़ी यही छोड़ दूं सड़क में ही? छोड़ दो सहज भाई। जिम तो बढ़िया है भाई, कहाँ ले आए सहज भाई? अपने खोला न्यू जिम, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, 10 करोड़ लग गया। कैसा लग रहा है? बढ़िया है, देखो बढ़िया लग रहा है भाई जिम। भाई सब कुछ है यहाँ पर, मसाज वसाज सब ओके सिस्टम। पहुंच गए भाई जिम, सहज भाई एक बढ़िया से जिम में लेके आए हैं। क्या नाम है सहज भाई जिम का? बोलते हैं आरके फिटनेस। अच्छा, एंट्री वेंट्री हो जाएगी अपनी इसमें? एंट्री भाई सिस्टम है अभी। शेकर बहुत बढ़िया है इनका, साथ में लेंगे रियल BCAA। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर कोई सप्लीमेंट लेना है तो वो आपका प्री वर्कआउट जरूर होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देगा, बजट के अंदर बेस्ट प्री वर्कआउट है। सेक्स ऑन द बीच फ्लेवर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लेना। ये नहीं है कि 5 मिनट खुजली करके उतर जाएगा, बढ़िया आपको एनर्जी देगा और रात को नींद में भी आपकी डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ पर आपको ट्रस्ट सील मिल जाएगी, इसको स्कैन करोगे आपको सारी लैब टेस्ट रिपोर्ट मिल जाएगी बिग मसल की। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर लेना। ये है रोहित खत्री एक्स सहज। यस, तगड़ा वर्कआउट, बैक एंड बाइसेप्स। मैं थोड़ा पंप करने के बाद उतारूंगा, ठीक है कि भाई मेरा तो पहली पंप है, घर से आया था पंप। पंजाब का पंप, डेडलिफ्ट से स्टार्ट। तो पहले वार्म अप कर रहे हैं, पता चले कमर ऐसे होगी रात को। आपके हिसाब से थोड़ा कम है, प्लेट वहां है 500। इस जिम की है ना, मानोगे आप, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा रेटिंग है इस जिम की। पार्टी करने का मजा जब ही है जब वर्कआउट अच्छा हो। भाई 45 और 15, 60, 140, पता नहीं, जब तक आप गिव अप नहीं करा देते तब तक तो चले जाएंगे। भाई आप गिव अप कराओ, आप मेरे से पहले हो।
जब तक आप गिव अप नहीं कराते हम चले जाएंगे वेट को लेके। आप ज्यादा ही लगाओगे। डेंगू हो गया था सहज भाई को, जेनेटिक्स बहुत बढ़िया है। फिर भी डेल्ट देखो भाई, यहाँ मेरे 1.5 साल से डेल्ट नहीं बन रहे, और यहाँ देखो पूरी कैप रखी है। बेल्ट भी प्रोफेशनल भाई, काफी काफी टाइम से ना हम ऐसे डेडलिफ्ट वगैरह छोड़ी हुई थी, नहीं करते थे। सो पावर लिफ्टर तो है नहीं, तो फिजिक मेंटेन करते हैं थोड़ी बहुत ही, थोड़ा बहुत मेंटेन कर रहे हैं भाई बस। तो फिर से शुरू किया डेडलिफ्ट वगैरह, स्ट्रैप से भाई बहुत हेल्प हुई जनरली सेम, और बेल्ट थोड़ी बढ़िया लो भाई जो डेडलिफ्ट। स्ट्रैप मेरे को बताना सहज, मेरे को पता नहीं कैसे क्या होता है भाई, मैं यूज नहीं करता था, मैंने अब यूज करने शुरू किए, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अच्छा, लाइक 10-20 किलो ऊपर ही उठा दोगे, ऐसा ग्रिप बढ़िया हो जाती है ना। तो ये वाला सीन है, जिसको आदत है वो कर लेगा, जिसको नहीं है उसकी और कम हो जाएगी, ये वाला सीन है। हां मेरे की बिल्कुल नहीं है। तो भाई 140 के भी है, चलो स्लिप नसानू बाहर आ जाना। वेट बढ़ाओ, वेट बढ़ाओ। पंजाब तो दिल्ली कुछ तो जंप होना चाहिए ना। मैं तो भाई कम कर दूंगा। नहीं नहीं यार, वैसे भी जल्दी बैक मत खराब करा लेना, बिल्डिंग हैवी वेट उठाना नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो वैसे ही देख रहा हूँ। फंक्शन 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 चल रहा है, सीरियस ना लियो यार कोई, यानी है मेरा भरा क्योंकि मेरा तो जंप कर दिया सीधा 140 से 200 हो गया भाई ये। हां 180 190 हो गया, 190 भाई लगाएंगे, मैं तो कम लगाऊंगा भाई, ट्राई कर रहा हूं भाई मैं। चलो भाई उठ जाएगा। सीन है ना सहज, दिल्ली आके वो भी मेरे जिम में, मेरे से ज्यादा हैवी मारना नहीं चाहता। बात ये है, तो ये सीन है, रोहित भाई ने कहा प्लेट्स निकाल दे, थोड़ा इज्जत का सवाल है तो मैंने निकाल दी, बस ये वाला सीन है। तो वेट कर दिया कम थोड़ा। तो भाई रोहित भाई बताओ यार, रोहित भाई कह रहे हैं मैंने आज तक कितनी डेडलिफ्ट नहीं उठाई, 210 नहीं उठाई, 210 उठी भी नहीं, 210 नहीं उठी। चलो आज उठ जाएगी, मेरा एक वीडियो भी है पूरी डेडलिफ्ट, लग रहा है आज उठ जाएगी, पर चांस है पूरा पूरा। आज भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ 200 की, 210 क्या पता हैवी होना चाहिए ना, सफाई अच्छी होनी चाहिए जिम में, और ट्रेनर्स होने चाहिए अच्छे। मेरे नाम से एक बार आएगा बंदा, दूसरी बार नहीं आएगा। चले भाई कर रहे हो, करो ये, हाँ कर लेंगे भाई, हाँ कर लेंगे। डेडलिफ्ट तो बाद, सेकंड एक्सरसाइज चिन-अप्स भाई, कितने सेट लगाने हैं और क्या रेपिटेशन? मतलब हम 50 रेपिटेशन करेंगे, वो कितने भी सेट में। डन, सो 50 रेप लगाने हैं, कितने एक दो एक सेट में हो जाए, 5 में, एक में ना होंगे, मेरे साथ एक में भी कर देंगे कोई बात नहीं भाई, मेरे से ना उठे एक वेट। तो भाई चिन-अप्स लगा रहे हैं क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है बैक की। अगर आप जिम में जाते हो तो 3-4 एक्सरसाइज आपको हमेशा करनी चाहिए, डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस, चिनअप्स। अगर आप ये एक्सरसाइज करोगे ना आपकी बॉडी बन जाएगी, बाकी छोड़ भी दोगे तो।
भाई आज बढ़िया वर्कआउट कर रहा है, मजा आ रहा है सहज वर्कआउट करके। सहज पूरा एनर्जेटिक रहता है, अब 21 साल की उम्र ना, टेस्ट अप तो आई है 20 नेचुरल 20 किया 20 की लीन बॉडी का ये फायदा है, इजी उठती है, देख कितना बढ़िया लग रहा है। कब कटिंग पे आऊंगा मैं, अब मेरे को ये रहा, मेरे को कटिंग पे आना जल्दी। पच्चीस निकाल देता हूँ, अभी निकल रही है 15 मुश्किल अभी से। वेट ज्यादा है इसलिए अपना ही वेट उठाना पड़ेगा, बॉडी भी थोड़ी स्ट्रेस में रहती है, डिजी डिजी सी, स्लो स्लो सी ऐसे होता है थोड़ा सा, होगा ही क्योंकि ज्यादा खाना पड़ेगा, फैट आएगा ज्यादा खाने से, पर कोई नहीं, ये थोड़ा प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग का पार्ट है। एक और मार ले सेट, एक सेट और मार लेते हैं। तो भाई नस वस आ रही है पूरी निकल कर, तो जेड़ा मैं प्री वर्कआउट पीता ना ओदे करके है ब्रो। पर भाई मेरा प्री वर्कआउट ऐसा था कि देखो गेनिंग फैट में भी नसें आ रही है, तो समझ लो कितना ज़्यादा पंप होता है। अगर लीन होते हैं तो ऑब्वियसली नस बाहर फटके बाहर आ जाती है, सहज की तरह जैसे नस बाहर है सारी लीन है ना, यहाँ तो गेनिंग में भी देखो कैसे हो रखा है, तो फ्रीक यूज फ्रीक। तो सहज भाई क्या कहोगे इसके भाई, अभी वर्कआउट कंप्लीट करो पहले फिर बताऊंगा। अच्छा पहले सीरियस वर्कआउट, रेस्ट बहुत ले रहे हो ऐसे मत करो। अच्छा चलो फिर अभी बैक में करेंगे। तो भाई लैट पुल डाउन थोड़ी सी, शोल्डर भाई बोल रहे हैं आपके जेनेटिकली ब्लेस्ड है, बहुत डोमिनेटिंग है, डोमिनेटिंग है, यहां देख लो ना इतने साल से करते करते शोल्डर नहीं बन ली अभी तक, थोड़ा पोज भी दे ही देगी ना। ओ क्या मेरे बाइसेप्स भाई, बाइसेप का साइज क्या होगा आपका? मैंने नापा नहीं सर यार, ये भाई गुड, यही जवाब होगा सबका जब आप पूछोगे बाइसेप का साइज क्या है आपका। नहीं मैं नापता नहीं अपना कोई भाई, सबका यही जवाब है, मैं खुद नहीं नापता। अच्छा वो जिसके नहीं होते ना वो नापता बार बार, बिल्कुल, तो जिसके होते हैं उसको बताने की जरूरत नहीं, डोले बनाओ यार मौके की गल बात, रोज रोज बाइसेप लगाओ, एवरी डे इज बाइसेप डे। तो भाई अब कर रहे हैं रोइंग, बोलो बोलो भाई। थर्ड एक्सरसाइज है अपनी क्लोज ग्रिप चेस्ट सपोर्टेड रोज, बहुत बढ़िया है चेस्ट के लिए, सारा लोड या कॉन्सेंट्रेट करना है बीच में, जो भाई बोलते हैं ना मिडल पार्ट नहीं पे होगा, इसको पूरा आगे तक लेकर जाओ, लेग्स ओपन करो और पूरा स्ट्रेच भाई, इतना ब्लड फ्लो हो गया यहाँ पर, हाथ ले जा रहा हूँ, चलो रोको, हाँ चलो बढ़िया, ये बात बढ़िया, मारो स्क्वीज, ये बात न, एक रैप और भाई, चलो दो और, एक और बढ़िया, पांच बोलते पांच भी लगा देता, और आप बताओ आपके लिए भाई हो आप इसलिए, सही वर्कआउट हुआ भाई, मजा इसी में है, एसी चल रहा है फिर भी पसीना उतार रहा है कि वर्कआउट चल रहा है बढ़िया वाला। पूरा टेस्ट आई है सहज का। तो अब कर रहे हैं लैट पुल डाउन, जिम में ना ये अलग अलग ग्रिप के है, ठीक है, मतलब ये बड़े भी है इससे भी बड़े है, जितना छोटा ये रहेगा ना ग्रिप पकड़ने का उतना हमारे लैट्स पर आएगा ये,
तो अब जब लगाएंगे ना देखना कैसे लैट खुलेगा पीछे से। नहीं नहीं बिल्कुल पता आपको क्या कर रहे हो, ऐसे ही नहीं की यार, बॉडी ऐसे ही थोड़ी बन रखी है। जिस इंसान की बॉडी है ना भाई उसको पता है कितनी मेहनत लगती है, और गलत एक्सरसाइज होती तो बनती क्यों। तो भाई बैक का ये लास्ट सेट था हमारा लैट पुल डाउन। अब भाई वैसे कहने की बात है, मुझे बहुत लोग पूछ रहे हैं भाई किससे ट्रेनिंग ली, कैसे किया, सही बताऊं खुद ही भाई सीखा ऐसे धीरे धीरे, खुद ही जिम लगाकर सब। भाई सहज मैंने तो भाई जिम गया, ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया। जब आप डेडिकेटेड रहते हो ना अपने वर्कआउट को लेके, आपको है ना एक साल में पता चल जाता है कि एक्सरसाइज होती कैसे है, बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरे साल में आपको पता चल जाता है डाइट क्या होती है, बिल्कुल। और तीसरे साल में आपको पता चल जाता है कि मेहनत से ही बॉडी बनेगी, कुछ कर लेना नहीं बनने वाली उसके अलावा। भाई देखो बहुत लोग कहते हैं सामान लगा लिया ये वो, बट मेहनत भाई हर चीज में, पैसा हर चीज में, प्लस सबसे बड़ी बात टाइम देना पड़ता है ना। सामान क्या है भाई, 12,000 रुपए का सामान आता है, लगा लो बना लो, किसी की नहीं बनती भाई, बहम है ये। 12,000 से थोड़ी बॉडी बनेगी, बाकी समझदार है वो समझ जाते हैं, जो भी थोड़े माइंड नहीं समझदार नहीं, जो जिम जाके बॉडी बनाते हैं ना सहज भाई, हाँ जी, हाँ जी। उनको ही समझ आता है कि मेहनत कितनी है। जब बाहर से तो बंदा देखता रहे भाई बना लेंगे, उन्हें 3 महीने में रियलिटी चेक मिल जाता है, बिल्कुल, कि वो गलत फहमी में जी रहे थे, नहीं बनती बॉडी भाई। तो कमेंट करना भाई बहुत इजी है घर पर बैठकर, कर लो यार वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, खुल के करो, 10-10 करो। और अपने भाई तो है यार सारे, मैं तो हमेशा यही बोलता भाई मेहनत करो। बाकी यार पता लग रहा पूरा डोला चेक करो। तो भाई बाइसेप्स रूटीन करेंगे 100 रेपिटेशन का, वो किस तरीके से होगा कि मैं रोड पकड़ूंगा, मैं अपने 20 रेपिटेशन निकाल लूंगा, सहज को रोड दे दूंगा, सहज 20 निकाल लेगा मेरे को दे देगा, एक सेट में बाइसेप्स फट जाएगा। मतलब ये डिवाइड सेट होगा पूरा विदाउट ब्रेक्स, और उसमें 5 सेट बन जाएंगे ना एक एक्सरसाइज में, तो भाई एक ही एक्सरसाइज लगाएंगे आर्म ब्लास्टर। आर्म ब्लास्टर। तो भाई 100 रेपिटेशन बाइसेप्स सेट लगा रहे हैं, और एक में ही आम ऐसे हो जाएंगे। मैं वैसे भी करता नहीं क्योंकि मेरे को शोल्डर बड़े चाहिए, पर सहज भाई के तो बड़े कराई देंगे, पहले ही अच्छे खासे बड़े हैं। 20-20 रेप्स का एक सेट, और रोड नीचे नहीं रखनी, ऐसे लगेगा आम ब्लास्टर। भाई बता देना आपके जब हो गए, वो भी उतना नहीं शॉट है। आओ भाई चलो 20 20, 1 2 3 4, बैक पूरी दिख रही है, शोल्डर पूरे दिख रहे हैं, कैप्स, रियर डेल्ट पूरा है। चले 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 हो पंप आ गया भाई, बहुत गलत है। हो गए 20। खींच के चलन दे लगाता, चलन यार दे, चलन दे, चलन दे। ओ भाई 100 रेप बहुत मुश्किल कंप्लीट किया, शिट खतरनाक भाई, फुल यार। बॉडी कंडीशन क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है आप देखिए आपने अभी, तो इंप्रूवमेंट ऑनेस्टली सिर्फ चेस्ट की, सिर्फ चेस्ट। मुझे भी भाई थोड़ी सी वीक लगती है अपनी चेस्ट, वीक नहीं है काब्स, वो वीक नहीं है, वो सही है आपकी बॉडी के हिसाब से। बात ये है आपके शोल्डर ओवर डोमिनेटिंग है, ओके, जो कि बहुत बढ़िया बात है। मतलब मैं जीत जाएंगे अगर नॉर्मल मसल मेनिया वगैरह खेल लेना, शायद जीत जाएगा 3 महीने की तैयारी में। भाई बहुत बड़ी बात बोल दी है, बाकी मोटिवेट तो मैं है गई हूँ, हुन होर हो गया, कोई चक्कर नहीं। भाई सही बात बताऊँ, अगर आपके साथ वाला भी बढ़िया जिम लगा रहा है पूरे मन से,
पूरा आपको कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन दे रहा है, तो आप पुश करोगे अपनी लिमिट्स। मतलब आपके साथ वाला ऐसा होना चाहिए कि अगर आप बढ़िया वर्कआउट ना करें ना तो भगा दे आपको कि जा भाई अपने घर जा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे छोड़ ना यार, आज का छोड़ देते हैं, कल देख लेंगे आज। चलो आज बियर पीने चलते हैं, आज गेड़ी मारने चलते हैं, गेड़ी मारनी जानी जिम दे टाइम, आगे पीछे मारो। आज बढ़िया खाना खिलाएंगे भाई सहज को, बढ़िया होगा भाई सीन, और एक अच्छी कॉफी पिलाऊंगा। तो भाई मेरे पास आए हैं, भाई को एक नंबर जगह पर एक नंबर खाना, फुल एंड बातचीत। सब सहज बढ़िया खिला देगा, दिल्ली का एक एक कोना पता है, कल निकाल के ले गया था कार, गली में निकाल के ले गया था कार, दूसरी गली का भी पता था कहाँ से निकलना है, तो पूरे रास्ते में ऐसा होया गड्डी सी की जेट ब्लैक अपने वाली थार, ते भाई की गाड़ी थोड़ी क्लीन एन पूरी वो प्रोफेशनल गाड़ी बिल्कुल, तो नाका आ गया, मैं कहा यार प्रॉब्लम हो जू, फिर मैं गली च पाई, गली तो अके कटती, पुलिस वाले लभदे रहे टॉर्च मार के किथे गए। चलो एनी हाउ अब बताओ भाई क्या सीन है। अब सीन ही है सहज, एक बढ़िया सा मील लेते हैं, कॉफी पिला के लाता हूँ, बहुत बढ़िया। चलो मैक ने भी बहुत टाइम हो गया वहाँ पिए, मैक को पिलाई थी बहुत अच्छी लगी थी, तो खाना खाएंगे। तो भाई ओआरएस पीऊंगा एक, डिहाइड्रेट होगी बॉडी, सोल्ट फ्लूइड सारे, ओआरएस बहुत जरूरी है भाई यार, ओआरएस लगाओ नहीं तो चक्कर आ जाते हैं, गर्मी बहुत है ना भाई, कुछ भी हो सकता है भाई, अपनी जान अपने हाथ में। तो भाई वर्कआउट बहुत बढ़िया हुआ, मैं ऑनेस्टली बताऊं मैंने सोचा नहीं था कि सहज अच्छा वर्कआउट करता है, क्योंकि मैंने आज तक ना मैं मिला सहज से एक, पर जो वाइब बनी है ना वर्कआउट करते हुए, एक बार भी है ना मेरा मन कर गया था कि बस छोड़ देते हैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे को लगा बहुत हो गया है, पर सहज बोला ये सेट पूरा करके जाएंगे, तो बहुत बढ़िया सहज भाई, बहुत बढ़िया। मैं वही बोलता हूँ कि जिसकी बॉडी होती है ना उसने मेहनत करके ही बनाई होती है भाई। यार मुझे तो ये होता है भाई, अब आपको मिल रहा हूँ एक बार मजा आ जाए यार, मैं याद रखूँ वर्कआउट पहली बार किया था ऐसा हुआ था यार, बहुत फन पूरा बढ़िया यार। मैं सहज पता है टाइम पास वर्कआउट करता हूँ ना, सीन क्या होता है फिर मेरे को ना अच्छा नहीं लगता। हाँ बिल्कुल, मतलब ये लगता मैंने सैटिस्फेक्शन नहीं, वेस्ट कर दिया वो टाइम। तो भाई प्योर फार्म्स का पीनट बटर है, अमेज़न पर जाके चेक कर लेना स्टॉक, देखो सहज भाई को पूरा स्टॉक पर जाना है। फ्लेवर चेक कर रहा हूँ मैं, कौन से डार्क चॉकलेट, जैगरी और नेचुरल, गुड़ का गुड़ खाओ गुड़। तो भाइयों सोनिया को जस्ट जिम में ड्रॉप करने आए थे, सहज यहाँ पर वेट कर रहा है, हम एक बार जा रहे हैं थोड़ा खाना खाने, भाई बहुत जल्दी मिलते हैं। अब सुबह से भाई कुछ खाया नहीं तो भूख लग गई। आ गए मॉल में, सहज तो टेढ़ा हो गया, आगे टेढ़ा हो गया बहुत ज्यादा, घूम रही है ऐसे दूर। देखो फेस कैसा हो रहा है, लग तो सही रहे हो। पहले तो मजाक था कि ORS ही है, अब असली में इसको ORS चाहिए, अब ORS असली में चाहिए इसको। भाई थक हो गया ज्यादा, शाम हो गई है देख, 6 बज गए, 6:05 और कुछ नहीं खाया सुबह से। अब यार टी शर्ट उतार के भाग ले पूरी देर में, भीड़ बहुत है। हवा 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 जाइए, कॉफी होटल लोगे, कोल्ड लोगे, कोल्ड कोल्ड सहज होटल लोगे, कोल्ड कोल्ड तो कॉफी आ गई है भाई अपनी, थोड़ी फैंसी है पर कोई बात नहीं, सहज भाई आए तो पी लेते हैं कभी, ओके हो गया कॉफी के। वैसे अपने जिम में है, हम बाहर से पीते नहीं पर कोई बात नहीं, हमारे मेहमान है सहज यहाँ पर भाई, कोई बात नहीं, नींद चाहिए बाहर से ज्यादा वाली नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ पर भाई का व्लॉग आगे देखते रहो। चलो ओके भाई, आ चुके हैं घर पर, बहुत तगड़ा वर्कआउट हुआ, आई होप आपको मजा आया होगा। और पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था रैंडम, अपना एक भाई विनर होने वाला है, तो ये है विनर, तो भाई मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना अपने घर का एड्रेस, तो आपको अपने भाई की तरफ से एक सप्लीमेंट गिफ्ट एज अ भाई अपने भाई को। और आज हम थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं क्वेश्चन आंसर की जगह, आज का क्वेश्चन ये है भाइयों, गेनिंग डाइट पर वीडियो चाहिए आप लोगों को, कमेंट कर देना अगली वीडियो तुम्हारा भाई बना देगा। तो ये आज का क्वेश्चन, रैंडम अपना भाई एक कमेंट को चूज कर देगा और विनर अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। लाइक कर देना भाइयों वीडियो को, और जिसने अभी तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करके जाना और लाइक जरूर कर दिया करो भाइयों, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिलता है अगली वीडियो में भाइयों, टिल नॉट पीस गेट्स।